गाइस दिस इज मी आमिर खान और आप देख रहे हैं एम एस ब्लॉग। और मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूजियम और इसका दूसरा नाम भी लॉक बिरसा म्यूजियम भी है। हम इसके अंदर एंट्री करते हैं, मगर एंट्री करने से पहले हमें इसके लिए टिकट लेना के सामने दिखाता हूँ। ये 100 रुपये का टिकट है और ये देखें जी, यहाँ से एग्जीबिशन स्टार्ट हो रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान के ट्रेडिशनल जितनी भी चीज़ें हैं सब यहाँ पर रखी गई हैं। पॉज करके पूरी डिटेल जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सकते हैं मुगल एरा से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई गई है। कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के इब्तदाई दौर की इक्कासी की गई है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था और इस्लाम की आमद हुई थी पाक बर सगीर के अंदर। ये उस टाइम की अक्कासी है। ये देखें जी सामने, ये गंधारा जो एक तहजीब, पाकिस्तान की एक कदीम तहजीब है, ये यहाँ पर की उसकी अक्कासी की गई है बहुत प्यारे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से। ये माँ ये देख सकते हैं गौतम बुद्ध के मुजस्मे हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं, आगे देखने के लिए म्यूजियम के अंदर और क्या है। ये देखें जी, मेरे बैक साइड के ऊपर मुसलमानों की इब्तदाई जो हुक्मरानी के दिन थे वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। मुगल एरा का यहाँ पर इक्कासी की गई है। देख सकते हैं मुगल एरा बहुत प्यारी इक्कासी की गई है। दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1858। ये देख सकते हैं यहाँ पे पहली जंग आज़ादी की इक्कासी की गई है, जब मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी की जद्दोजहद का स्टार्ट किया था। अच्छे तरीके से यहाँ पर इक्कासी की गई है। और ये सर सैयद अहमद ख़ान का स्टेचू, एक बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार नज़ारा पेश कर रहा है। और यहाँ पर सर सैयद की जो भी खिदमात पाकिस्तान के लिए रही हैं वो सब यहाँ पर दर्ज हैं। ये अल्लामा इकबाल जब मस्जिद कर्तबा स्पेन गए थे, ये वो डिटेल्स हैं यहाँ पर, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अल्लामा इकबाल मस्जिद कर्तबा में
गए और वहाँ पर सदियों से बंद मस्जिद के अंदर इबादत की और उन स्पेशली उनके लिए मस्जिद किरदबा को खोला गया था और वहाँ पर उन्होंने अजान दी और वहाँ पर नवाफिल भी अदा किए थे। ये वही मनाजिर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये देख सकते हैं जी अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद का खिताब, ये देखें जी वही मनाजिर यहाँ पर बहुत प्यारे अंदाज में पोर्ट्रेट किए गए हैं और अल्लामा इकबाल की घर की अक्कासी की गई है। ये अल्लामा इकबाल की शायरी और जो भी उनके इरशादात थे यहाँ पर दर्ज हुए हुए हैं। अल्लामा इकबाल के नवादरात को देखने के लिए हम इस गैलरी के अंदर चलते हैं। ये कारपेट है अल्लामा इकबाल के इस्तेमाल, ये ड्रेस है, ये अल्लामा इकबाल जो कैप पहनते थे, कैप है अल्लामा इकबाल की, कोटी कह सकते हैं इसको, ये पूरा ड्रेस अल्लामा इकबाल, ये भी एक कारपेट और सामने देखें तो सामने ये आपको पंखा नजर आएगा, देख सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंटेशन अल्लामा इकबाल की अपनी जाती है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व की गई है। अल्लामा इकबाल अपने ख्याल में खोए हुए पाकिस्तान का मंजरनामा पेनोरामा पाकिस्तान, ये आप देख सकते हैं एक पेनोरामा हॉल बना हुआ है जिसके अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्रीज वगैरह यहाँ पर दिखाई जाती हैं। आप देख सकते हैं इस हॉल को। चलें अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये कायदे आज़म के नवादरात वगैरह हैं। ये यहाँ पर एक अलमारी है, ये कुछ सोफ़े पड़े हुए हैं, सोफ़ों के साथ में भी एक और टेबल पड़ी है और ये कायदे आज़म का एक बहुत बड़ा सा पोर्ट है। आज़म के जैसे इस्तेमाल जो भी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं इस म्यूज़ियम के अंदर और स्पेशली इस गैलरी के अंदर कायदे आज़म से रिलेटेड जो भी नवादरात वगैरह हैं सब यहाँ पर रखे गए हैं। कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल कपड़े हैं, कायदे आज़म की शेरवानी, ये एक सोफ़ा सेट है और ये कुछ बॉक्सेस वगैरह रखे हैं और ये भी एक और शेरवानी है और एक बड़ा सा पोर्ट्रेट कायदे आज़म का और इसके साथ ही एक और पोर्ट्रेट है कायदे आज़म का। चलें अब हम यहाँ से भी निकलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या देखने के लिए। ये देखें जी सुल्तान फतेह अली टीपू आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, ये टीपू सुल्तान से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है मुग़ल एम्पायर से पहले ये सब वो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान की जो भी इरशादात वगैरह हैं और जो भी हिस्ट्री है वो आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर। ये टीपू सुल्तान की जो जंग लड़ी थी टीपू सुल्तान ने मराठा के ख़िलाफ़, ये उसकी अक्कासी की गई है बहुत प्यारे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से।
देखें जी, ये तहरीक आज़ादी के दौरान कायद अज़म जब मुसलमानों से ख़िताब करते थे तो ये उस दौर की अक्कासी की गई है। कायद अज़म ख़िताब करते हुए गांधी जी और कायद अज़म टॉक कर रहे हैं और गांधी जी कायद अज़म को बोल रहे हैं सोने कोको कोला पिला दे। पता नहीं कायद अज़म ने इनको कोको कोला पिलाई है या नहीं, मगर गांधी जी काफ़ी गुस्से से देख रहे हैं। ये तो एक मजाक वाली बात थी, मगर यहाँ पे इसकी इससे रिलेटेड जो भी मंजर यहाँ पे पेश किया गया उससे रिलेटेड यहाँ पे हिस्ट्री आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। गांधी जिना मुजाकरात 1944, ये 3 जून प्लान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो पाकिस्तान में नक्शा शो किया गया है और यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान है और ये वेस्ट पाकिस्तान है और बीच में पूरा हिंदुस्तान है। और ये कुछ पाकिस्तान के जो अर्ली टाइम है, अर्ली दौर है, ये उसकी अक्कासी की गई है किस तरीके से लोगों ने माइग्रेट किया और किस तरीके से मुश्किल हालात को फेस किया, ये उस टाइम की अक्कासी की गई है सारी। और इसके साथ भी एक तहरीर है जिसको आप चाहें तो वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके जो भी इरशादात सर सैयद वगैरह और जितने भी पाकिस्तान के अंदर सरकर्दा रहनुमा वगैरह थे सब की यहाँ पर अक्कासी की गई है। ये बर्थ ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड अक्कासी की गई, किस तरीके से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के बाद जो भी हालात लोगों ने फेस किए ये उस चीज़ की अक्कासी की गई माइग्रेशन के टाइम। कायद अज़म और मोहतरमा फातिमा जीना काजी मोहम्मद ईसा का क्वेटा रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल। महाजरीन कायद अज़म को अपनी मुश्किलात बताते हुए कायद अज़म बतौर चीफ स्काउट पाकिस्तान हल्फ उठाने के बाद अपने पैगाम पढ़कर सुना रहे हैं। कायद अज़म के इस्तेमाल की सारी नवाजरात वगैरह फर्नीचर वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है और साथ में कायद अज़म मोहम्मद अली जिना और मोहतरमा फातिमा जिना का स्टैचू भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। लियाकत अली खान पाकिस्तान का पहली बार झंडा लहराते हुए कायद अज़म के ज़ेर इस्तेमाल जो कार थी वो है बहुत खूबसूरत। हम नीचे से पूरी वैली को देखते हुए हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये एक बहुत प्यारा मंजरकशी की गई है कायद अज़म और फातिमा जिना की। ये एयरफोर्स से रिलेटेड डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह जो भी पाकिस्तान एयरफोर्स करती है उससे रिलेटेड सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये देखें जी, मर्सिडीज बेंस जुल्फिकार अली भुट्टो, अनवर सादात और सऊदीया के किंग और जो भी मुख्तलिफ मेहमान बाहर से आते थे उन सब के ज़ेर इस्तेमाल रह चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सामने, ये जद्दोजहद कश्मीर के रहनुमा शहीद सैयद अली गिलानी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और यहाँ पे काफ़ी इनका एक पोर्ट्रेट भी नुमाया किया गया। ओलंपिक गेम्स के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुई थी, उस टाइम का अक्कासी है। ये मॉडर्न पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई हैं, किस तरीके से पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है और जो भी रिसर्च वगैरह डेवलपमेंट वगैरह है सब उससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है।
ये डैम्स वगैरह से रिलेटेड रिहैबिलिटेशन ऑफ तरबेला हाइड्रल पावर स्टेशन, ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर। राग ज़रात और माल मवेशी से रिलेटेड पाकिस्तान की प्रोग्रेस और पाकिस्तान ने किस तरीके से यहाँ पर ज़रात वगैरह की जाती है, लाइव स्टॉक और फार्मिंग वगैरह की जाती है, सब उससे रिलेटेड यहाँ पर बताया गया। जो पाकिस्तान के अचीवमेंट हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड, पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ को पोर्ट्रेट किया गया है, किस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ रहती हैं और किस तरीके से उनको पूरी आज़ादी है माइनॉरिटीज़ वगैरह को, वो सब कुछ यहाँ पर पोर्ट्रेट किया गया है, देख सकते हैं। देख चुके हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, हम तकरीबन सभी कुछ देख चुके हैं और अब हम चलते हैं और अपने ब्लॉग को यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। जाते जाते मेरे ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।